नमस्कार दोस्तों, सक्सेस इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है BPSC मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर MVI ऑनलाइन फॉर्म 2020, जिसकी डेट एक्सटेंड हो चुकी है। आइए दोस्तों, जिन बच्चों ने अभी तक इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं किया वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा बिहार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में भर्ती की जा रही है। दोस्तों, जो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर होते हैं वो पोस्ट है जो हमारे RTO ऑफिस में लाइसेंस बनाने के लिए इंस्पेक्टर की भर्ती की जाती है, जिसमें आपकी RTO ऑफिस में ड्यूटी लगती है। इसमें बिहार में वैकेंसी निकली है, 90 पोस्ट है, टोटल पोस्ट 90। एज लिमिट है दोस्तों इसमें 18 से 37, यानी 18 से 37 के बीच होने चाहिए, ये मेल के लिए है, और फीमेल के लिए 80 से 40 एज है। इसमें दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। जर्नल के लिए 26, EWS के लिए 6, OBC के लिए 10, OBC फीमेल के लिए 4, EBC के लिए 22, SC के लिए 20, ST के लिए 2, इस प्रकार वैकेंसी है। टोटल 90 वैकेंसी है। अगर हम इसमें एबिलिटी की बात की जाए कि आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन या एक्सटर्नल क्वालिफिकेशन में क्या चीज़ होनी चाहिए, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो क्लास 10th विद डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग आपके पास ये होना चाहिए, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में विद वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस इसमें कंपलसरी है दोस्तों, वो बिल्कुल ही कंपलसरी है। ड्राइविंग लाइसेंस जो भी RTO की वैकेंसी आती है MVI इंस्पेक्टर की, उनके लिए कंपलसरी होता है। IM नोटिफिकेशन पे जाते हैं और बाकी सारी जानकारी आपको देते हैं। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन का जो हम पेज खोलेंगे वो कुछ इस प्रकार है। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं ऊपर जो मैं आपको बता चुका हूँ वैकेंसी के बारे में। आइए इसमें हम शैक्षिक योग्यता के बारे में जानते हैं और लाइसेंस के बारे में जानते हैं। जिस प्रकार मैंने आपको शैक्षिक योग्यता बता दी, इसमें 10वीं पास चाहिए और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, 3 वर्षीय पाठ्यक्रम वाला डिप्लोमा होना चाहिए। दूसरा, गियर वाली मोटरसाइकिल, हल्के मोटरयान चलाने के लिए अधिकृत चलान अनियमित ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास LMV विद मोटरसाइकिल वाला लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। दूसरा दोस्तों, इसका ये यहाँ पर लिखित परीक्षा साक्षरता के आधार पर दिया गया है, प्रथम सामान्य 2 घंटे का। इसमें दोस्तों आपका आपके 3 पेपर होंगे, जिसमें एक पेपर है आपका 100 नंबर का, जिसमें 2 घंटे का टाइम मिलेगा, जिसमें आपके OMR टाइप क्वेश्चन आएंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरे और तीसरे पेपर में आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि दूसरे पेपर में आपको जो आपके पास डिप्लोमा है उसके बेस का पेपर रहेगा। जो आपका पहला पेपर है वो आपका मैथ्स, GK, रीजनिंग, जो नॉर्मल पेपर होते हैं उनकी तरह क्वेश्चन आएंगे। दूसरे पेपर में आपको डिप्लोमे में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपने डिप्लोमा कराया उसके बारे में। तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें आपको रोड साइन, रोड सेफ्टी के बारे में बताया जाएगा। बस दोस्तों, इसमें बेसिक चीज़ यही है, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी आपको अधिक जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन पर जाके पढ़ सकते हैं। बाकी इसकी जो रजिस्ट्रेशन की डेट थी वो 11/5 यानी 11 मई से 26 मई 2020 तक थी। ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके।